जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान चल रही है, देश में भी कोरोना वायरस लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे परेशानी कम नहीं हो रही है। जहां कुछ दिनों पहले चीन ने यह एक्सेप्ट किया था कि उसने अपने यहां कोरोना मरीज होने की बात छुपाई थी, वहीं अब एक और सच पकड़ा गया है और इसे हम चीन की चालाकी भी कह सकते हैं। हाल ही में ट्विटर ने लगभग 1.7 लाख अकाउंट बंद किए हैं और ये सभी अकाउंट चीन से रिलेटेड हैं। जब इन अकाउंट्स को चेक किया गया तो ये सामने आया कि ये सारे अकाउंट चीनी सरकार का समर्थन कर रहे थे और इन अकाउंट से हांगकांग के विरोध प्रदर्शन और कोरोना वायरस के मामले पर लगातार भ्रामक जानकारियां शेयर की जा रही थी। ट्विटर की माने तो उसने ये अकाउंट इसलिए बंद किए क्योंकि ये चीन की कम्युनिस्ट सरकार के अनुकूल नैरेटिव फैला रहे थे। ट्विटर ने कहा कि उनकी पॉलिसी के खिलाफ ये बता दें कि आधिकारिक तौर पर चीन में ट्विटर पर बैन है, लेकिन कई लोग VPN के जरिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन अकाउंट के जरिए लगातार चीनी सरकार हांगकांग के विरोध प्रदर्शन और कोरोना वायरस को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे थे और ये अकाउंट ट्विटर की नज़र में आए और जांच करते हुए ट्विटर ने सभी अकाउंट को बंद कर दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने अकाउंट को बंद किया हो। साल 2019 में भी ट्विटर ने ऐसे 1000 अकाउंट को बंद किया था जो हांगकांग की राजनीति पर ट्वीट कर रहे थे और एक बार फिर चीनी सरकार को लेकर ट्वीट कर रहे लाखों अकाउंट्स को ट्विटर ने बंद कर दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।